हाय एवरीवन, मैं हूं अजीत कुमार सेट्टी। विश यू ऑल ए हैप्पी न्यू ईयर। आप सभी को नया साल का शुभकामनाएं। स्वस्थ रहें, खुश रहें, हंसते रहिए और मेहनत जारी रखिए। और मैं आज आपको एक स्ट्रेचेबल का जो जीन्स पैंट है वो स्टीम आयरनिंग करके दिखाऊंगा। बॉटल स्टीम आयरन है मेरा पास, 4 लीटर का जो बॉटल स्टीम आयरन आता है वो मेरा पास है। उसमें आप कैसे आयरनिंग कर सकते हैं, जो घर पे आपका स्टीम आयरन रहेगा वो भी कर सकते हैं, जो टेम्परेचर सेट करके अच्छी तरह वो उसका टैग के हिसाब से, कपड़ा में टैग रहेगा ब्रांडेड कपड़ा में, वो टैग को पढ़ लीजिए। वार्म आयरन है तो वार्म आयरन, स्टीम आयरन है तो स्टीम आयरन, उसका ऊपर जो लिखा रहेगा उसी हिसाब से आप आयरनिंग कर सकते हैं। और आप जो घर पे जो ड्राई आयरन रहता है, हल्का आयरन रहता है, वो टेढ़ा वाला आयरन रहता है, उस पर आप क्या है ना हीट कर लिए और चढ़ा दिए तो उसमें क्या होता है ना, श्रिंकेज हो जाता है, चौड़ा हो जाता है। वो चीज़ से बचने के लिए मैं आज आपको स्टीम आयरन से करके दिखाऊंगा। अगर आपका पास स्टीम आयरन नहीं है, हल्का वाला है या वेटेड वाला आयरन है, तो उसमें आप वार्म आयरन कर सकते हैं। हल्का थोड़ा ठंडा ठंडा आयरन, ज़्यादा गर्म नहीं, हल्का गर्म रहेगा, उसमें आयरनिंग कर सकते हैं। तो आपका मेरे ख्याल से उसमें से डैमेज थोड़ा कम होएगा, डैमेज होने का चांसेस बहुत कम है। लेकिन आप हीट ज़्यादा कर लिए और घिसते लग गए जीन्स पैंट है करके, तो क्या होता है ना, जो स्ट्रेचेबल है वो फटता है, वो थोड़ा चौड़ा होता है, ढीला ढीला हो जाता है। 1 महीने पहने और पहनने के लिए अच्छा नहीं लगेगा, महंगा महंगा पैंट है, इतना रुपये में दे के ख़रीदते हैं, है ना। तो आप एक ऐसा काम मत कीजिए, नॉलेज है तो उसका ऊपर आप काम कीजिए, जो टैग रहेगा वो पढ़ लीजिए, फिर उसको आयरन कीजिए। और मैं आज वही चीज़ आपको समझाऊंगा इस वीडियो में कि आप विदाउट डैमेज घर पे कैसे आयरनिंग कर सकते हैं स्ट्रेचेबल पैंट। और मेरे ख्याल से आपका जो आयरनिंग है, जितना भी आप जानते होंगे या जानते हैं, आप ये वीडियो देखने के बाद आपका आयरनिंग बेटर हो जाएगा और अच्छे से आप लॉन्ड्री वाले से भी अच्छे से आयरनिंग कर सकते हैं घर पे। और आपका स्टीम आयरन है तो स्टीम आयरन से कर सकते हैं, अगर ड्राई आयरन है तो उसको अगर कर सकते हैं, नॉलेज है, नॉलेज बेसिस पे आप कर सकते हैं। अगर नॉलेज नहीं है तो आयरनिंग करना सही नहीं रहेगा। वीडियो को देखिए एक दो बार, फिर समझ में आए तो आयरन कीजिए। तो स्टीम आयरन से मैं आज करके दिखाऊंगा, तो आप स्टीम आयरन से ऐसे ही करके देख लीजिए कैसा आपका आ रहा है, पहले से बेटर आ रहा है कि पहले से ऐसा आ रहा है, या इम्प्रूव कुछ हो रहा है कि नहीं। मेरे ख्याल से आपका ज़रूर आयरनिंग इम्प्रूव होएगा। और आप जितना हो सके जो टेम्परेचर है वो सेट करके ही आयरनिंग कीजिएगा, क्योंकि आजकल का जो गारमेंट है वो समझ में नहीं आता है, बहुत तरीके से जीन्स आ रहा है। तो आप उसका टैग पढ़ लीजिए, फिर उसी हिसाब से आयरन कीजिए और टेम्परेचर सेट करके बराबर से कीजिएगा, विदाउट डैमेज फ्री। आज मैं करके दिखाऊंगा वो चीज़ आपको, आपको हर चीज़ मैं बारी बारी से समझाऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा। और आप वीडियो में बने रहिए, लास्ट तक देखिए। अगर पसंद आया, अगर कोई भी डाउट है आपको, आप कमेंट सेक्शन में मेरे को पूछ सकते हैं कि ये चीज़ मेरे को नॉलेज नहीं है, क्या है क्या नहीं है, कैसे कर सकते हैं। आप जो भी पूछेंगे कमेंट सेक्शन में ज़रूर आंसर दूंगा, और मेरे नॉलेज के हिसाब से मैं आपको जो भी मेरे को जानकारी है मैं आपको ज़रूर बताऊंगा और आपके साथ शेयर करूंगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। स्ट्रेचेबल जीन्स पैंट है, और ये स्ट्रेचेबल जीन्स पैंट आज आपको मैं आयरनिंग करके दिखाऊंगा। लॉन्ड्री वाले से भी अच्छे से कैसे आप आयरनिंग कर सकते हैं वो ट्रिक्स मैं आज बताऊंगा। सबसे पहले आपका स्टीम आयरन है घर पे, तो स्टीम आयरन का जो टेम्परेचर है वो सेट कर लीजिए। जीन्स पैंट आज आपको मैं आयरनिंग करके दिखाऊंगा, स्ट्रेचेबल का जीन्स पैंट है। सबसे पहले आपका घर में अगर ड्राई आयरन है तो ड्राई आयरन पे आप वार्म आयरन पे कर सकते हैं। ये जैसा टैग है देख सकते हैं, ऐसा टैग देता रहता है जो अपना ब्रांडेड पैंट वगैरह रहता है। अभी जो जो कपड़ा में अभी ब्रांडेड आ रहा है, कोई कोई कपड़ा में भी टैग दे रहा है, हर ब्रांडेड कपड़ा में तो टैग रहता है, कंपनी दिया रहता है कि इसमें आप वार्म आयरन करेंगे या स्टीम आयरन करेंगे, उसी हिसाब से आप कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। जो टैग को ज़रूर पढ़ लीजिए, और टैग में लिखा रहता है पूरा साफ साफ, वार्म आयरन कीजिए या स्टीम आयरन कीजिए, उसी हिसाब से उसका अकॉर्डिंग ही आप काम कर सकते हैं। और स्टीम आयरन है आपका घर पे, स्टीम आयरन पे भी आयरन कर सकते हैं। उसका पहले उसका कंट्रोल जो है, टेम्परेचर जो है वो पहले सेट कर लीजिए,
लो टेम्परेचर में रखिए थोड़ा स्टार्टिंग में, प्रैक्टिकली आपको पता चल जाएगा कि आगे आप एक बार चलाएंगे स्टीम छोड़ेगा आपको पता चलेगा कि नहीं ये चाहिए तो सही है, अगर ज़रूरत है तो थोड़ा बढ़ा सकते हैं, वो प्रैक्टिकली आपको पता चल जाएगा। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप पहले लो में सेट कर लीजिए, लो टेम्परेचर में सेट करके आयरनिंग स्टार्ट कीजिए। अगर ड्राई आयरन है तो ड्राई आयरन पे भी, अगर मान के चलिए वार्म लिखा है तो वार्म आयरन कैसे करेंगे, ठंडा ठंडा ड्राई आयरन को हल्का हल्का घिस के फिनिशिंग कर सकते हैं, तो आपका स्ट्रेचेबल ख़राब नहीं होगा। जो श्रिंकेज का प्रॉब्लम रहता है, जो चौड़ा होता है ना, जो पेंट का जो स्ट्रेचेबल धीरे धीरे जो चौड़ा होने लगता है, ढीला होने लगता है, वो चीज़ वो प्रॉब्लम नहीं होएगा। तो ड्राई आयरन पे आप अगर करेंगे तो वार्म आयरन अगर लिखा होगा तो वार्म आयरन कर सकते हैं। अगर उसमें लिखा होगा स्टीम आयरन और आप अगर मान के चलिए हेवी वाला आयरनिंग करेंगे, हेवी वाला आयरन पे या ड्राई आयरन पर ज़्यादा हीट करके करेंगे तो वो तो आप जाने, वो तो मैं नहीं बता सकता कि आपका क्या होगा बाद में, वो ढीला होएगा, प्रॉब्लम होएगा, है ना, श्रिंकेज होएगा, सब प्रॉब्लम आएगा। आप उसका टेक के अकॉर्डिंग ही आप काम कीजिए, आयरनिंग कीजिए। तो मैं यही आपको सजेस्ट करूंगा, जो टैग में लिखा रहेगा उसी हिसाब से आप कीजिएगा। अगर वार्म आयरन लिखा है तो वार्म आयरन ही कीजिए, अगर स्टीम आयरन लिखा है तो स्टीम आयरन कर सकते हैं आप, वो भी स्टीम सेट करके। स्टीम आयरन पे जो स्टीम है उसका टेम्परेचर पहले लो पे ही सेट करके आयरनिंग स्टार्ट कीजिए। चलिए हम आयरनिंग करके दिखाते हैं आपको। मेरे पास तो 4 लीटर का बोटल स्टीम आयरन है, मैं टेम्परेचर सेट कर लिया हूँ। और हर स्टीम आयरन पे तो अलग अलग फंक्शन रहता है, अलग अलग सेट रहता है टेम्परेचर सेट करने का प्रोग्राम। तो आपका प्रैक्टिकली उधर देख लीजिए, पहले लो पे सेट करके अगर ज़्यादा नीड्स करेगा स्टीम तो थोड़ा बढ़ा दीजिएगा। और जिनका पास ड्राई आयरन है और ड्राई आयरन पे अगर करना चाहते हैं, पहले टैग को पढ़ लीजिए उसका बाद ही आयरनिंग कीजिए। टैग में लिखा रहेगा अगर वार्म आयरन तो वार्म आयरन कर सकते हैं, स्टीम आयरन तो स्टीम आयरन कर सकते हैं। ऐसे बैक साइड थोड़ा आयरनिंग कर लीजिए, क्योंकि इस जगह पे आयरन नहीं पहुंचता है तो पहले से अगर मार लेंगे तो अच्छा रहेगा, ये बीचों बीच तो फिनिशिंग जो है ज़बरदस्त आएगा, रिंकल नहीं आएगा। उसके बाद कपड़ा को ऐसे ही बिछाना है, ऐसे इधर देखिए, इधर पकड़ना है ये सिलाई में पूरा, ये इधर एक हाथ में पकड़ना है और इधर एक पकड़ना है, फिर ऐसे बिछाना है, ऐसे थोड़ा उसको साइज कर देना है, बिछा देना है कपड़ा को अच्छे से, जितना अच्छे से बिछा। हो गया एक साइड, फिर दूसरा साइड। पहले कपड़ा को अच्छे से बिछा देंगे, जितना अच्छा से बिछाएंगे उतना अच्छा से आयरनिंग हो जाएगा आपका। ये लीजिए अपना पेंट आयरनिंग होके रेडी है, कोई भी रिंकल नहीं है, अच्छा फिनिशिंग हो गया है। अभी फोल्ड कर देंगे,
सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे। ये भी स्ट्रेचेबल का पेंट है और ये ब्लैक पेंट है, तो अगर ड्राई आयरन पे इसको आयरनिंग करेंगे तो उसका ऊपर आयरनिंग का जो ग्लेजिंग है वो आ जाता है, वाइट वाइट आ जाएगा, चिकनाहट आ जाएगा, तो स्टीम आयरन पे वो चीज़ नहीं होता है, संभावना बहुत कम रहता है होने का। आपका घर में अगर स्टीम आयरन नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, उसके लिए भी मैं आगे वीडियो बनाऊंगा, आप विदाउट स्टीम आयरन कैसे आयरनिंग कर सकते हैं, जो भी मेरा नॉलेज के हिसाब से रहेगा मैं आपको ज़रूर शेयर करूंगा। लेकिन फ़िलहाल उसका टेक के अकॉर्डिंग ही आप काम कीजिए, मैं तो यही सजेस्ट करूंगा। इसे थोड़ा हल्का सा स्टीम छोड़ देंगे, ये चीज़ पे, ये चीज़ यहाँ पे, इस ये पोजीशन पे ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है, क्योंकि इधर चैन वगैरह रहता है सब, तो इधर थोड़ा नीचे जो हार्ड रहता है ना, तो इधर अगर दबा के हम लोग प्रेशर कुछ देंगे तो चेन आपका ख़राब होने का चांसेस बहुत है। तो ये पोजीशन पे आपको हल्का हल्का सा स्टीम आयरन है, सिर्फ स्टीम छोड़ देना है, जो भी रिंकल वगैरह रहेगा वो प्लेन हो जाएगा, ज़्यादा प्रेशर उधर नहीं देना है। चलिए आप, मैं आप पेंट अपना प्रेस होके रेडी है, आयरनिंग होके रेडी है, कोई भी रिंकल वगैरह नहीं है, पूरा ज़बरदस्त आयरनिंग हो रहा है। ये लीजिए विदाउट डैमेज फ्री पूरा अपना दो पेंट आयरनिंग हो गया, दोनों ही